और यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बदस्तूर जारी है, और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे दुनिया भर में लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन से फोन पर बात की है, लेकिन दोनों बड़े नेताओं की बातचीत नाकाम साबित हुई है। अमेरिका पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को रूस ने तीन तरफ से घेर रखा है। रूस ने लाखों तादाद में सेना की तैनाती की है। रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका ने इस मांग को खारिज कर दिया है। नाटो देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध की संभावना भी अब बढ़ जाएगी। तो तनातनी बढ़ती जा रही है रशिया और अमेरिका के बीच, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन की आपस में फोन में बातचीत जरूर हुई, लेकिन ये बातचीत नाकाम हुई, बेनतीजा रही। अब अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बिगड़ रहे हैं हालात। अमेरिका ने पोलैंड भेजे 3,000 सैनिक। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। होकर रहेगी जंग। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसके साथ ही यूक्रेन को लेकर अब रूस और अमेरिका में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नाटो देशों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इन सैनिकों को नाटो देशों की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने अब यूक्रेन से सटे नाटो देशों में सेना की तैनाती तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3,000 और अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड रवाना होने का फरमान दिया है। पोलैंड में पहले से ही अमेरिका के करीब 2,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका परेशान है, लिहाजा राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के 3,000 सैनिकों को पोलैंड भेजने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक जिन 3,000 सैनिकों को पोलैंड भेजा जा रहा है, वो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात हैं और अगले हफ्ते तक पोलैंड पहुंच जाएंगे। दरअसल अमेरिका अपनी थल सेना के 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्ते के सैनिकों को पोलैंड भेज रहा है। जिस तरह से राजनयिक गतिविधियां और प्रयास चल रहे हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ बात बने। लेकिन हालिया बयानों से रूस अपनी मांग पर दृढ़ लग रहा है, और जो स्थिति लग रही है उसमें नहीं लगता कि इसका सीधा समाधान जल्दी निकलेगा। आगे के समय में युद्ध होगा या नहीं होगा, या जंग को टाला जा सकता नहीं, ये पूरी तरह कहना मुश्किल है। लेकिन मेरी समझ से नाटो को यूक्रेन को अपने में शामिल न करने की बात मान लेनी चाहिए, और इससे युद्ध का जो खतरा है वो पूरी तरह टल जाएगा। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों के अलावा जर्मनी में डिप्लॉय करीब 1,000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच गए। दरअसल रोमानिया के कॉन्स्टांटा के ब्लैक सी बंदरगाह में अमेरिका भारी तादाद में अपनी सैन्य सामग्री तैनात कर रहा है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि अमेरिका रोमानिया में भी अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की 18वीं एयरबोर्न कोर के मुख्यालय से उसके 300 सैनिक जर्मनी पहुंच चुके हैं। नाटो देशों के बीच समझौते के तहत इस वक्त पूरे यूरोप में अमेरिका के करीब 80,000 सैनिक तैनात हैं। इनमें से कुछ स्थायी हैं तो कुछ वक्त वक्त पर एक बेस से दूसरे बेस पर शिफ्ट होते रहते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की काफी सेनाएं पहले ही यूरोप में डिप्लॉयड हैं। इतना ही नहीं, नाटो समूह के जो बाकी देश हैं
उनकी सेनाएं भी ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में स्टेशन है। ऐसी हालत में अगर रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तो इसका प्रतिकार करना संभव है। मौजूदा समय में भी शुरू में एक लंबी संख्या डिप्लॉयमेंट करने के इरादे को जाहिर करने के बाद अमेरिका ने सिर्फ 8,500 सैनिक उस इलाके में भेजे हैं, और साथ ही साथ एक कोशिश की जा रही है कि सीधा युद्ध न छिड़े। और अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने सभी अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा कह दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों को आगाह कर दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल आए। जेक सुलिवन के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमले का फरमान सुना सकते हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों से फौरन यूक्रेन छोड़ देने की अपील की। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर जिस तरह रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और रूस यूक्रेन सीमा पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें देख कर लगता है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा जापान और नीदरलैंड्स ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने की सलाह दी है। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में जो स्थिति नजर आ रही है उससे लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हालांकि रूस ने लगातार कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक उसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आक्रमण का खतरा बना रहेगा। क्योंकि युद्ध एकाएक शुरू होता है और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी अपने डिप्लोमेटिक मिशंस और बाकी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वह उनकी सुरक्षा से चिंतित हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही इस बारे में ऐलान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आशंका के मद्देनजर अमेरिका यूक्रेन में रह रहे अपने तमाम नागरिकों से यूक्रेन छोड़ देने की अपील कर चुका है। हालांकि अमेरिका ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो वो इसका हिस्सा नहीं, यानी इसमें शामिल नहीं होगा। और रूस के आसपास के नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का मकसद सिर्फ नाटो देश की सेना को ट्रेनिंग देना और युद्ध के हालात से निपटने की तैयारियां करवाना है। दरअसल नाटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लगती है। जाहिर है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को तीन तरीकों से घेर रखा है और यदि रशिया यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो ऐसी स्थिति में जो ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले जो चार नाटो देश हैं इनके ऊपर भी खतरा आ सकता है। और इस आधार पर अमेरिका और नेटो अलाइज ने इन देशों में अपना जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इन चारों देशों के ऊपर यदि कोई खतरा यूक्रेनियन इन्वेजन यदि रशिया के द्वारा किया जाता है तो उसमें अगर कोई ऐसा खतरा आता है तो निसंदेह अमेरिका और उसके जो नेटो अलाइज हैं नेटो के आर्टिकल 5 के तहत कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर